गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और 30 तारीख, तो आज का सुबह मेरा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि पतिदेव घर वापस आ गए हैं। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट मतलब अर्ली ब्रेकफास्ट में मैंने सत्तू पी लिया है, फिर मैंने मखाना खा लिया है। तो पिछले 5 दिनों से ना ही मैंने सत्तू पिया था ना ही मखाना खाया क्योंकि पतिदेव थे नहीं। और ये सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट वाला ड्यूटी मेरे पतिदेव का ही होता है, तो आज कर लिए ब्रेकफास्ट और पेटू मेरा भर गया है। पतिदेव चले गए मॉर्निंग वॉक पे, आते टाइम थोड़ा सा सब्जी बाजार लेके आएंगे और फिर आज उनका 12 बजे से ड्यूटी है, ऑफिस है आज उनका। तो पतिदेव मार्केट से आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक करके, बाजार उजार लेके, फिर बनाते हैं सहजन का सब्जी जो पतिदेव अपने गांव से लेके आए हैं। बहुत खींचा खींचा बहुत सुंदर सुंदर सहजन लेके आए। सहजन का सब्जी बनाते हैं और मटर का घुगनी बनाते हैं, जो कि मटर मम्मी भेजी है। बैंगलोर में ऐसा मटर मिलता नहीं है। तो चलिए पूरा दिन आज मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ। था कि मोटू मेरा गए थे यहाँ से शू पहन के घर, और शू को अपने घर में खोल के फिर चप्पल पहन के गांव चले गए। और आते थे मोटू का शू कहाँ खो गया, मतलब बच्चा लोग कोई ले जाके कहीं रख दिया होगा, लेकिन मोटू का ट्रेन का टाइम हो रहा था इसीलिए वो जल्दी जल्दी चप्पल पहन के आ गए। और शू के बिना मॉर्निंग वॉक करना या फिर कहीं जाना तो बहुत मतलब प्रॉब्लम का बात है। तो कल रास्ते में वो मुझे बोले थे कि मेरा शू छूट गया है घर में, तो मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट से शू ऑर्डर कर दिया था एडिडास का, और 1 डे डिलीवरी था, तो शू मेरा सवेरे सवेरे आ गया। आज सुबह मॉर्निंग वॉक में पतिदेव गए बिना शू के चप्पल पहन के और अभी तक आए नहीं, आके देखेंगे उनका शू आ गया। तो चलिए हम लोग भी शू का अनबॉक्सिंग करते और देखते कैसा शू आया है। हाँ, तो मम्मी मेरा मटर भेजी है, तो मटर रात को भिगो दिए थे, इस मटर का भी घुगनी बनाएंगे। इधर मसाले का तैयारी करते हैं। अभी बज रहा है सुबह का 11:30 और पतिदेव जा रहे हैं अभी ऑफिस। जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों से कहा था कि पतिदेव का आज 12 बजे से ड्यूटी है, तो मॉर्निंग वॉक से थोड़ा लेट आए थे, थोड़ा बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे फ़ोन में, तो थोड़ा लेट हो गया आने में उनको। भाई कपड़ा वपड़ा सब आयरन करके ही रखा था, हम ब्रेकफास्ट बना के ही रखे थे, तो खा पी लिए। देख सकते आप लोग तैयार हो गए हैं मोटू मेरा, तो अभी जा रहे ऑफिस। मोटू के जाने के बाद मेरा बहुत सारा काम है, तो दिन भर आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिए। देख सकते पतिदेव जा रहे, बाय, पतिदेव जा रहे ऑफिस। चले गए ऑफिस और 11:30 बज गया, तो भाई अभी तक ब्रश नहीं किया है, तो चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी घर का सारा काम सलटा लेते हैं, क्योंकि बहुत नींद आ रहा है। सुबह जल्दी उठे थे, फिर वीडियो एडिटिंग करने लग गए, फिर सो नहीं पाए, तो जल्दी जल्दी काम सलटाते हैं। फिर आज मार्च एंडिंग है, तो आज पतिदेव का ऑफिस में बहुत सारा काम का हेडेक होगा, इसीलिए लंच लेके नहीं गए हैं कि सारा दिन बिजी रहेंगे, खा नहीं पाएंगे, तो खा के ही गए हैं और फिर शाम को आके खाएंगे। और घर से जो सजना लाए थे, मतलब सजन ड्रम स्टिक जो लाए थे घर से, वो शाम को बनाते हैं, तो बने रहिए। हो गया मेरा ब्रेकफास्ट और भाई के लिए रोटी बना के रख दिए हैं। भाई अभी तक ब्रश नहीं किया है, ब्रश करके अपना रोटी और घुगनी खा लेगा, तो हम आधा घंटा का थोड़ा सा नैप ले लेते क्योंकि आग देख के समझ रहे बहुत नींद आ रहा है, आधा घंटा का थोड़ा नैप ले लेते, उसके बाद उठ के काम में लगते। तो बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, तो चलिए थोड़ा देर सो के उठते, फिर मिलते आप लोगों से। मेरा बेड क्लीन, घर साफ कर लेगा भाई अभी, तो हम थोड़ा सा सब्जी बना लेते, वही सजना का सब्जी। सब्जी बनाते हैं, पतिदेव को बहुत पसंद है, सजना सजना करते करते गए हैं ऑफिस, तो शाम को आके खाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। ये कट गया है सजना, अब इसको बनाते हैं। बहुत देर से सजना सजना कर रहे थे, आज सजना बना ही लेते, कभी नहीं बनाया पहले, आज ट्राई करते हैं, क्योंकि ससुराल में भी मम्मी जी बनाती थी, यहाँ पे आने के बाद भी पतिदेव भी 1-2 बार बनाए हैं, तो मैंने आज वीडियो देखा यूट्यूब में, तो चलिए ट्राई करते सजना कैसे बनता है देखते। हो गया है मेरा नहाना, अब बज रहा है 3,
भाई का लंच हो गया है क्योंकि भाई चावल खाएगा, इसीलिए अपना लंच कर लिया है। और आज हम रोटी खाएंगे, चावल खाने का ज़रा सा भी मन नहीं है। तो चलिए रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं। हाँ, मेरा लंच घुगनी बनाए थे मटर का, और मासी जी कल भेजिए 3 टाइप का अचार, और मासी सोन पापड़ी भी भेजिए। तो चलिए लंच करते हैं। बज रहा है अभी रात का 8:15 और पतिदेव के आने का टाइम हो गया। 8 बजे तक पतिदेव का आज ऑफिस था, तो पतिदेव आते हैं। उसके बाद सुबह जो पतिदेव का शू आया था एक ठो, मैंने ऑर्डर किया था कल, तो उसको मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया। तो पतिदेव आने के बाद उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर देखते पतिदेव को पसंद आया या उनके पाँव में फिट आया या कोई प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए चलते हैं, पतिदेव का वेट करते हैं उनका आने का। सो फ्रेंड्स, पतिदेव मेरे आ चुके हैं। 1 घंटा हो गया है, 8:30 बजे आए हैं और अभी रात का 9:30 बज रहा है। फ़ोन में बतिया ही जा रहा है। तो बिजी पर्सन, मार्च क्लोजिंग है, बैंक में भी प्रेशर है, मार्च क्लोजिंग है, फ़ोन पे भी प्रेशर है, तो फ़ोन में सबसे बतिया रहे। अभी तक जूता अनबॉक्सिंग नहीं हुआ हम लोगों का, रात का 9:30 बज गया। भाई भी पार्क से घूम के आ गए, बैल्कनी में खड़ा होकर देख रहे हैं। बगल में एक नया केक शॉप खुला है, उस दुकान में कितना केक का सेल हो रहा है वो बैल्कनी में खड़ा होकर उसका हिसाब रख रहा है। और हम एक बार इधर एक बार उधर यही कर रहे हैं। फाइनली वो टाइम आ ही गया जब मेरे पतिदेव ने जूता अनबॉक्सिंग करने के लिए उठ के बैठ गए। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पतिदेव जूता अनबॉक्सिंग करते हैं और जूता कैसा दिया है। हाँ, पतिदेव अभी जूता अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बहुत फास्ट डिलीवरी दिया, 1 डे डिलीवरी। पता नहीं जूता कैसा होगा। अरे पूरा ओपन करिए, पूरा निकालिए तो सही। इसमें तो जूता ही नहीं है, खाली डब्बा। नहीं नहीं, खाली पड़ा हुआ है। एडिडास का है, ऐसा हो नहीं सकता। कांच का बोतल, कांच का। हाँ, शीशा का आवाज क्यों आ रहा है? हाँ, शीशे का होगा। वाव, सेम टू सेम मेरा वो जूता है। कैसा लगा आपको जूता अपना? एडिडास। दोनों पहनो। लेफ्ट राइट करो, दिखाओ, इधर आओ। मिरर में क्या देख रहे हो? कंफर्टेबल? फ्रेंड्स, देख लिया आप लोग, जूता अनबॉक्सिंग हो गया। तो पतिदेव से पूछते हैं उनको जूता कैसा लगा है। जूता बहुत ही अच्छा है, मस्त आर्मी वाला कलर है। जूता का रिव्यू है कि मैं पहन के सोने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है, नींद अच्छा है। नहीं, ये रहा सजन का सब्जी। मेरे कैमरा के फिल्टर के चलते सजना का सब्जी अच्छे से, सजना के सजन पता नहीं कौन सा जेंडर है। सजना ड्रम स्टिक क्या होता है, लेडीज होता है कि जेंट्स होता है? हाँ, सजना है कि सजन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या बोला जाता है, लेडीज है कि जेंट्स है, सजना है कि सजन है। तो मोटू मेरा कल वाला व्लॉग देख रहे हैं और सजना का सब्जी और रोटी खा रहे हैं। तो मोटू का खाना हो जाएगा तो फिर हम और भाई खा लेंगे और फिर आज का कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। सुन ली आप लोग पतिदेव का रिव्यू कैसा था। जूता उनको बहुत पसंद आया, कोई ओकेशन नहीं था, जूता खो गया था इसीलिए लेना पड़ा। तो चलिए आज का ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, व्लॉग बहुत छोटा होगा आज का, क्योंकि आज ज़्यादा कंटेंट मेरे पास था नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। आज दिन भर मैं काम करते करते बहुत थक गई हूँ। सो आज ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग इस व्लॉग को अभी तक कंटिन्यू किए तो प्लीज़ छोड़ के जाने के पहले एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।